तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करें, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर यह चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जा रहा। इसी मुद्दे पर आपके सवाल हो तो कृपा रहेगी, मुझे मालूम है आप लोग बड़े आतुर हैं कुछ और बात करने के लिए। टुडे सम टाइम मिस्टर जयराम रमेश जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट विल बी इश्यूइंग अ स्टेटमेंट। सो ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक एंड रिलेटेड टू सम अनरिलेटेड टॉपिक, जस्ट हैव सम पेशेंस फॉर दोज क्वेश्चंस, यू विल गेट एन आंसर। हिंदी में बता देता हूं, जो भी आपके सवाल हैं जो इस विषय से संबंधित नहीं है और किसी असंबंधित विषय से संबंधित है उस पर हमारे जो प्रभारी महासचिव हैं संचार विभाग के श्री जयराम रमेश शीघ्र ही एक स्टेटमेंट जारी करेंगे, उसके लिए भी कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।